गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे फाउंडेशंस फीचर करने वाली हूँ विच आर लाइक माय राइड और डाई। दे हैव अ परमानेंट प्लेस इन माय वैनिटी, हमेशा होते हैं। इनको मैंने रीपर्चेज भी किया है। कुछ कुछ फाउंडेशंस तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे नहीं हैं, पाँच ही हैं, बट हाँ इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। आई एब्सोल्युटली लव दीज फाउंडेशंस, आई कैन नॉट डू विदाउट देम। इनके जो भी शेड के नाम होंगे और लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थोड़ा सा इन्फो दे रही हूँ, मेरी स्किन टाइप है ड्राई टू वेरी ड्राई, तो मेरी स्किन पे तो ये बहुत कंफर्टेबल फील होते हैं और अच्छे से सूट करते हैं, बट और भी जो स्किन टाइप्स होंगी ना उनको भी ये सूट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो विद फाउंडेशन नंबर वन। सबसे पहला फाउंडेशन है लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन। मेरे शेड का नाम है गोल्डन सैंड एंड आई थिंक दिस फाउंडेशन इज लाइक द क्लोजेस्ट मैच टू माय स्किन टोन। ये एक बहुत ही लाइट वेट सिरम लाइक फाउंडेशन है जो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन पे। जो फाइनल फिनिश आती है ना वो काफी नेचुरल और ड्यूई लगती है और ये बहुत कंफर्टेबल भी फील होता है। लॉरियल के जो फाउंडेशंस है ना वो थोड़े से ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं। ये वाला जो फाउंडेशन है ये भी ऑक्सीडाइज होता है बट उतना नहीं होता कि आपका बिल्कुल शेडी मतलब चेंज हो जाए फेस का। सो आफ्टर फ्यू आवर्स इट सेटल्स डाउन और आप जैसे सेट वगैरह भी करते हो ना पाउडर के साथ तो उतना डिफरेंस कुछ पता नहीं चलता, इनफैक्ट अच्छा ही लगता है स्किन पे। आई वुडंट एग्जैक्टली रेकमेंड इट फॉर योर वर्क प्लेस, ऑफिस वगैरह के लिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इसमें बहुत बहुत हल्का सा ना शिमर है, एकदम ध्यान से अगर देखोगे ना तो पता चलता है। इसमें ग्लिटर चंक्स नहीं है लेकिन बहुत हल्का सा शिमर है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फाउंडेशन। इसको मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ, जब मैंने ब्यूटी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फाउंडेशंस व्हिच आई बॉट एंड आई स्टिल लव इट, बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। सेकेंड फाउंडेशन है एलए गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन और मेरा शेड है न्यूड बेज। मेरे चैनल के जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्यूटोरियल्स है ना उसमें ज्यादा करके ट्यूटोरियल्स में मैंने इसी फाउंडेशन को यूज किया है। ये एक मीडियम टू बिल्डेबल फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, थिक नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन पे और फिनिश भी काफी अच्छी देता है। व्हाट आई लव अबाउट दिस फाउंडेशन इज कि इसको बिल्ड करने के बाद भी ना ये केकी नहीं लगता है स्किन पे। बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं जो बहुत थिक होते हैं, केकी से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम थोप लिया है फाउंडेशन, ये वैसा नहीं लगता है। ड्यूई लुक्स के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है और आप मैट मेकअप भी इसके साथ कर सकते हो, इट्स लाइक एन ऑलराउंडर। एंड लास्टली मेरी ड्राई स्किन पे ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट फाउंडेशन है कलरवर 24 आवर वेटलेस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है गाइस, ये सच में बहुत बहुत लाइट फाउंडेशन है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी परफेक्ट है, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा रनी है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन पे, पैची नहीं होता। इसकी जो फिनिश आती है ना वो ड्यूई आती है एंड इट गिव्स अ सॉलिड फुल कवरेज। नाउ बहुत कम ऐसे फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं जो केकी ना लगे स्किन पे, दिस इज वन ऑफ दोज फाउंडेशंस जिसके साथ अगर आप कंसीलर भी स्किप कर दोगे ना तो चलेगा और ये केकी भी नहीं लगेगा। एंड आई मोस्टली यूज दिस फाउंडेशन जो फुल कवरेज और फुल ग्लैम वाले लुक्स होते हैं ना उसके लिए, नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक्स के लिए भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट फाउंडेशन है मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन। इसको मैं इतना ज्यादा यूज करती हूँ कि इसकी बॉटल की हालत ऐसी हो गई है, मैं इनफैक्ट ट्रैवल वगैरह भी करती हूँ ना तो अपने साथ कैरी करती हूँ इसे कई बार। मुझे लगता है मेरा ना इस फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है। दिस वॉज माई फर्स्ट लग्जरी परचेज, मतलब बोल सकते हैं ना हाई एंड फाउंडेशन, ये सबसे पहला मैंने खरीदा था और ये मैंने खरीदा था 2010 में सबसे पहले। So it's been 13 years and since then I finished multiple bottles of this foundation. It's a matte foundation lekin strobe cream ke sath mix karke ye ek acha dewy wala look bhi de deta hai. It feels very very comfortable on the skin. It blends well aur light bhi feel hota hai skin pe. It is again a medium to buildable full coverage foundation. मैंने इसे टीवी वाले मेकअप के लिए भी यूज करा है, मैंने इसे नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं वेडिंग्स होते हैं उसके लिए भी यूज किया है। इट ऑल्सो फोटोग्राफ्स वेरी वेल। एक चीज मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हो ना तो आप एक मैक के स्टोर में जाके अपना शेड मैच करा लो ताकि आपकी एग्जैक्ट स्किन टोन के हिसाब से आप इसे खरीद सको। इट हैज एन एक्सटेंसिव शेड रेंज तो आपका जो परफेक्ट मैच होगा ना वो आराम से आपको मिल जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल फाउंडेशन है स्मैशबॉक्स का स्टूडियो हाइड्रा फाउंडेशन।
दिस इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन टाइप. ये काफी कंफर्टेबल फील होता है स्किन पे और इसकी जो फिनिश है वो ड्यूई लगती है स्किन पे. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मीडियम टू बिल्डेबल फुल कवरेज देता है और काफी फ्रेश भी लगता है स्किन पे. ये जितने भी फाउंडेशन मैंने दिखाए ना, लॉरियल वाले को छोड़ के और कोई फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता. अगर आपको एक अच्छा हाई एंड फाउंडेशन लेना है तो मैट में आप मैक कॉस्मेटिक्स के फाउंडेशन को कंसिडर कर सकते हैं एंड ड्यूई लुक के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. इट इज टोटल वैल्यू फॉर मनी और इसका आई थिंक छोटा साइज भी आता है, वो मैक का भी आता है. इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. आई नो एकदम क्विक सा था ये वीडियो. थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग. और मैं काफी लंबे टाइम से यार सिर्फ फाउंडेशन वाला एक कोई वीडियो नहीं बनाया था, दैट्स व्हाई आई मेड इट. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वॉट आर द काइंड ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज दैट यू वॉन्ट टू वॉच ऑन माई चैनल. किस टाइप के वीडियोज आप देखना पसंद करते हैं लॉन्ग फॉर्म में, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. Mm-hmm.